फिरोजाबाद जिले में बढ़ रहे डेंगू प्रकोप की रोकथाम के लिए कथित प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से टीमें बनाकर जांच कराई जा रही है। साथ ही ब्लड सैंपल भी भेजे जा रहे हैं। आज गांव किठौत में सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र अराव से आई टीम ने युवा एवं बच्चों की जाँच कराई। 22 लोगों की जाँच में 3 बच्चे डेंगू पॉजिटिव पाए गए, जिनका सैंपल लेने के बाद एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेजा जाएगा, ताकि सही तरीके से उपचार किया जा सके। ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि पूरे गांव में करीबन 200 से ऊपर बच्चे एवं युवा बीमार पड़े हैं। हम आज यहां पर ग्राम कीठौत में आए हुए ब्लॉक राव में, यहां पर हमको शिकायत मिली हुई थी गाँव में बुखार का प्रकोप है, बुखार फैला हुआ, तो उसी के लिए हम आए हुए थे। तो आज यहाँ हमने टेस्ट भी किए, जिसमें मलेरिया तो नहीं निकला है, लेकिन करीब 3 लोग डेंगू पॉजिटिव आए हैं अभी। तो उनका हमने अभी सैरो अभी रैपिड टेस्ट किया था, उनका सैंपल लेके कंफर्मेशन के लिए फिरोजाबाद लैब भेजा जा रहा है। तो किट की कोई ज़्यादा वो नहीं होती है, जो वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल रिपोर्ट मानी जाएगी। जिसमें जहाँ डेंगू के जो पेशेंट निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार का उपचार है, किस प्रकार का उनको किस प्रकार की दवा दी जाएगी? CSC अराव हॉस्पिटल है, उस पर वहाँ एडमिट करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, और यहाँ जो पॉजिटिव निकले हैं उनके लिए अभी एम्बुलेंस आ रही है, उन्हें भी वहीं रेफर किया जा रहा है, और वहाँ पहले से भी पेशेंट एडमिट है, तो पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।